संखेड़ा हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर में माना जाता है अभी फिलहाल। ये एक कला वाला फर्नीचर है, संखेड़ा फेमस फर्नीचर के हिसाब से ही हो गया। मेरा नाम जैमिन सुतार है एंड मैंने MBA किया है फिलहाल, और MBA करने के बाद मैंने अपने फादर का संखेड़ा फर्नीचर का बिज़नेस ज्वाइन किया, और मेरे फादर है वो उनके फादर से भी चल रहा है, 100 साल ऊपर हो गया उनका। जैसे मैंने अपना एजुकेशन ख़त्म किया उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं अपने फादर का बिज़नेस को ज्वाइन करूँ, और ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए मैंने स्टार्टिंग पे मार्केटिंग किया, जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी या डीलर्स थे उनको फुलफ़िल किया, फिर क्लाइंट को कैसे तक पहुँचाना है तो मैंने अपना ऑनलाइन खुद का एक सोर्सेज बनाया जिसे क्लाइंट हमको भी ढूंढ के आए और मैं भी उनके तक वहाँ पहुँच पाऊँ। जो मेरे नाना जी है वो भी पहले यही फर्नीचर करते थे, लेकिन उनके टाइम पर एक साधु थे अरिवल्ली साधु, तो अरिवल्ली साधु हमारे गाँव में आए थे उस टाइम। वो एक पता नहीं क्या था, लेकिन उस टाइम उन्होंने सीखा एक आशीर्वाद रूप में एक चीज़ कह के गए कि ये जो लाख है आप उससे ये चीज़ आप फर्नीचर पे बनाओ तो इससे आपको जो बिज़नेस में जो ग्रोथ मिलना चाहिए वो ग्रोथ मिलेगा। तो वो अचानक से अदृश्य हो गए, तो फिर वही चीज़ हमारे जो सुथार परिवार है उन्होंने धीरे धीरे करके छोटा स्टार्ट किया। पहले जो हमारा जो संखेड़ा फर्नीचर था वो लोकल भी जाता था, जब मेरे आने के बाद मैंने बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए मैं एक्सपोर्ट भी करने लगा, जो पहले मिडल लोग जो करते थे उसको मैंने हटा के मैं अभी खुद भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरे फादर्स लोग काम करते थे तो मैं भी एक्साइटमेंट था, मैं घर पे नहीं बैठा रहता था, भले मैं काम नहीं करता था लेकिन जो फैक्ट्रीज थी जो छोटे छोटे हमारे जो उस टाइम थे तो मैं वर्कर के साथ बैठा रहता था और उनको दिखता था कि काम कैसे होता है, तो वो एक मेरे लिए थोड़ा एक सरप्राइज़ था उस टाइम, और थोड़ा एक्साइटेड था मैं कि यार मैं भी बड़ा होकर ये काम सीखूँगा ये काम करूँगा। संखेड़ा फर्नीचर सगुन में इसलिए माना जाता है क्योंकि जो उसका लकड़ा होता है पवित्र होता है, उसकी जो लॉन्गेबिलिटी भी अच्छी होती है, और जो उसका जो कलर्स रहते हैं जो उसके कलर्स में एक उनके शादी के हिसाब से उनको जो मरून लाल वो सगुन कलर बोलते हैं तो वो भी एक पवित्र माना जाता है। और संखेड़ा फर्नीचर एक गुजराती ट्रेडिशनल के हिसाब से लड़के के लिए अच्छा कलर्स रहता है, तो इसीलिए वो संखेड़ा कलर्स का लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं शादी में। और शादी के अलावा कभी बच्चे का बॉर्न होता है तो भी हमारा संखेड़ा का फर्नीचर का जो बेबी क्रेडल है वही यूज़ होता है अभी भी हाल में, तो वो लोग उसी नाम से जानेंगे ये संखेड़ा का ही बेबी क्रेडल है। हमारे इंडिया के PM नरेंद्र मोदी और चाइना के जो जिनपिंग थे वो भी हमारा संखेड़ा फर्नीचर के झूले पे उनका फोकस ज़्यादा रहा था उस टाइम, तो वो एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। उस टाइम हमारा जुस्सा भी बढ़ गया कि चलो भाई कोई ना कोई हमको सपोर्ट करने वाला तो मिला, तो इसलिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात। मेरा यही सपना है कि उस कस्टमर को हर एक घर में छोटे से छोटे घर में मेरा एक संखेड़ा का प्रोडक्ट मैं बेचना चाहूँगा, वहाँ पे देखेंगे बोलेंगे संखेड़ा फर्नीचर इज़ द बेस्ट वर्ल्ड फेमस फर्नीचर।